हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब मत करना, ना ही कोई घंटी दबाना और ना ही वीडियो को लाइक करना। जब तक आप मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं देख लेते, इतने आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही कोई आपको कॉमेंट करना है। जब वीडियो पूरी कम्प्लीट हो जाए तब आपको ये सब चीज़ें कर देनी है, जिससे मुझे कुछ जो है आपकी सलाह मिल सके, कुछ आपका जो है जो भी आप कहना चाहते हो वो मुझ तक पहुंच सके। तो देखिए, मुझे एक बात बहुत दिनों से जो है मेरे दिमाग में है और बहुत ज़्यादा ये कमेंट करते हैं कि भाई हमें एक बात बता दीजिए कि गाड़ी का जजमेंट कैसे करें। तो आज आपको इस वीडियो में आपको क्लियर जो है सभी बातें क्लियर कर दूँगा और आपको विस्तार पूर्वक हर बात के बारे में आपको ज्ञान दूँगा, गाड़ी के शुरू से लेकर एंड तक, फर्स्ट टाइम स्टेयरिंग से लेकर और जब आप निपुण हो जाते हो उस टाइम तक। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले स्टेयरिंग की, कि जब आप कोई भी फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाता है तो उसको स्टेयरिंग तक नहीं संभालना आता है। शुरू में वो स्टेयरिंग संभालता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे उसको क्लच और रेस का ज्ञान होता है, फिर उसके बाद गियर का ज्ञान होता है, फिर उसके बाद ब्रेक का ज्ञान होता है। इन चार पांच चीज़ों का ज्ञान होता है। उसको स्टेयरिंग संभालने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं किसी किसी को, और गाड़ी सीखनी तो 1 महीने में आदमी गाड़ी सीख लेता है, लेकिन जब उसका ज्ञान होता है गाड़ी का तो उसमें व्यक्ति को जो है 1 साल या 2 साल भी लग सकते हैं। देखिए, गाड़ी एक बहुत छोटा नाम है, लेकिन इसको समझना बहुत दिन में आपको समझ में आता है। अब मान लीजिए मैंने गाड़ी 1 महीने के अंदर सीख ली, अब मुझे टायर चढ़ाने नहीं आती तो गाड़ी फेल है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं सीखने के लिए। अब मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत कहते हैं कि भाई हमें गाड़ी सिखा दो। तो कहना आसान है, करना आसान नहीं है। एक रात बाहर चले जाएँ तो फिर वो आके बोलते हैं कि भाई नहीं, मैं तो बाहर नहीं जा पाऊँगा। गाड़ी सीखने में कुछ नहीं है, आप 5-7 दिन में या 10 दिन में गाड़ी सीख जाओगे, लेकिन उसके बारे में ज्ञान आपको ज़रूर होना चाहिए। तो ज्ञान लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं। गाड़ी हमेशा के लिए सीखी जाती है, हमेशा ड्राइवर सीखता ही रहता है गाड़ी को। ऐसा नहीं है कि आप सीख ली वो हमेशा, क्योंकि चेंजिंग आते रहते हैं, हमेशा बदलाव आते रहते हैं गाड़ी के अंदर। कभी कौन सा बदलाव आता है, कभी कौन सा बदलाव आता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि भाई फ्रंट साइड जजमेंट, बैक साइड जजमेंट, राइट साइड जजमेंट, लेफ्ट साइड जजमेंट। तो जजमेंट भाई साहब, जजमेंट के बारे में आपको बताता हूँ कि जजमेंट जो है व्यक्ति अपना खुद जजमेंट बनाता है। देखिए, 4 पहिए की गाड़ी होती है या 2 पहिए की गाड़ी होती है, 6 पहिए, 10 पहिए, 12 पहिए और भी बहुत, जितना आप जाओगे आगे उतने आपको पहिए जो है फालतू मिले लगेंगे, उतने ही आपके एक्सल बढ़ जाएंगे, उतनी ही गाड़ी की रेंज भी बढ़ जाएगी, हर चीज़ बढ़ जाएगी। देखिए, 2 पहिए की जो भी हम मोटरसाइकिल चलाते हैं वो एक जगह निरंतर खड़ी होती है, तो उसका बैलेंस कौन बनाता है बताइए? उसका बैलेंस वो खुद नहीं बनाती है, व्यक्ति बनाता है। व्यक्ति का बैलेंस हमेशा गाड़ी से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए, गाड़ी तो एक साथ चलेगी, जहाँ आप चलाओगे वहाँ चलेगी। गाड़ी का बैलेंस कुछ नहीं बिगड़ता है, मशीनरी एक चीज़ होती है, जैसा आप उसे चलाते हो वैसा उसका बैलेंस बनता है। व्यक्ति खुद का बैलेंस बनाता है, गाड़ी का नहीं बनाता है। खुद आपके ऊपर नियंत्रण करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हो। अगर ज़्यादा ब्रेक लगाओगे तो ज़्यादा ब्रेक लगेगा, ज़्यादा रेस दोगे तो ज़्यादा रेस दी जाएगी। क्लच अगर आप एकदम से छोड़ोगे तो एकदम से छोड़ी जाएगी। गियर गलत लगाओगे तो वह आपके ऊपर है। गाड़ी में हर चीज़ सेट होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, उसी के हिसाब से गाड़ी चलती है, नहीं कि आगे चलेगी अपने आप गाड़ी नहीं चलने लगेगी। अब स्टेयरिंग को आप ऐसे करोगे तो उसी साइड गाड़ी जाएगी, ऐसे करोगे तो उस साइड गाड़ी जाएगी, बैक गियर लगाओगे तो बैक साइड गाड़ी जाएगी। तो वो सब जजमेंट आपके ऊपर होता है, जितना आप पुराना। अब ये आपकी बात मैं समझता हूँ कि जो भी गाड़ी, जैसे ट्रक गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, अब 7-7.5 फुट की जो है चौड़ाई होती है उसकी। अब जब ड्राइवर सीट पर बैठते हैं तो उसके बाद आपको शीशे के अंदर, आपके शीशे और लेफ्ट साइड शीशे, इन दोनों शीशों में सब कुछ दिखता है, लेकिन जो एरिया होता है केबिन का, नीचे साइड का, उसका
आपको जजमेंट नहीं हो पाता है, किसी को भी नहीं होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं होता है कि उसे पता होता है कि लेफ्ट साइड के जो नीचे के केबिन के नीचे कोई भी आ जाता है, बाइक आ जाती है, कार आ जाती है, किसी को पता नहीं होता है। वो सिर्फ अंदाज़ा होता है, एक मैनेजमेंट होता है, अंदाज़ा होता है, जजमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। उसके हिसाब से ये गाड़ी चलती है। अब 7-8 फुट की गाड़ी होती है, आगे से गाड़ी को जब हम ओवरटेक करते हैं तो साइड में देखते हैं बाइक को, तो बाइक के बिल्कुल फिक्स हम नहीं निकालते, 2-4, 2 या 3 फुट का गैप हम देते हैं उसमें। तो हम कोई गैप नापते थोड़ी है कि हाँ भाई हमारे पास फुटा है या फिर किसी अंदाजे से, वो एक सिर्फ जजमेंट हो जाता है कि इतने इशारे में हमारी गाड़ी निकल जाएगी। तो जैसे ओवरटेक लेते हैं, ओवरटेक में भी हम अपनी नज़रों से जो है अंदाज़ा लगाते हैं, दिमाग से अंदाज़ा लगाते हैं, गाड़ी को नहीं देखते हैं हमारी चौड़ाई कितनी है गाड़ी की। वो सब अंदाजे पे डिपेंड करता है, हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। वो जितना हमें एक्सपीरियंस हो जाता है गाड़ी चलाने का, उस पे डिपेंड करता है, न कि गाड़ी के ऊपर। हमारे खुद के ऊपर जजमेंट बनता है। हम जो भी चीज़ पे बैठ जाते हैं चलाने के लिए, तो उसका हिसाब से हमारा दिमाग जजमेंट करता है। हम खुद फैसला लेते हैं इसके अंदर कि हाँ भाई यहाँ से मेरी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी या फिर वहाँ पे पहुँच जाएगी, इतना खड्डा है यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे तो वहाँ पे गाड़ी हमारी रुक जाएगी या खड्डे में गिर जाएगी। तो ये सब व्यक्ति के खुद के ऊपर होता है, व्यक्ति का दिमाग का खेल होता है और कुछ नहीं होता। वो इस भ्रम में रहता है पूरी ज़िंदगी कि ये किस तरीके से चला लेते हैं, इनको कैसे अंदाज़ा हो जाता है, ये सब एक वहम है और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने भी गाड़ी चलाई है, वो सिर्फ़ एक आपका अंदाज़ा होता है और कोई ऐसा आदमी नहीं है कि किसी के अंदर जादू नहीं है, किसी के अंदर अजूबा नहीं है। तो इसमें जो भी बड़े ड्राइवर होते हैं, मैं तो ये बताता हूँ कि उनको कम से कम साल तो लग जाती है, देखिए पूरा अंदाज़ा लेने में, जजमेंट लेने में। एक बात अलग है कि आपने ट्रैक्टर चलाया, 2-3 दिन आपने बड़ी गाड़ी चला ली, फिर उसके बाद कहीं पर लेकर चले गए, तो वो लेके तो चला जाएगा, उसको ज्ञान नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। टायर फट गया तो उसको स्टेपनी चेंज नहीं करनी आती तो बता क्या करेगा। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई तो मिस्त्री के पास भी उसे ले जाना पड़ेगा, तो कैसे ले जाएगा। तो बहुत सी कॉमन चीज़ें होती है गाड़ी के अंदर, ऐसा नहीं है कि हम एकदम से गाड़ी को पूरा सीख सकते हैं, टाइम तो हर चीज़ में लगता है, इस बात को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो ये एक वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी तो वीडियो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन थोड़ी लंबी भी हो गई। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए। जजमेंट के बारे में फ़िलहाल मैंने आपको बताया है, वैसे तो ऑलरेडी वीडियो है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर, लेकिन बहुत से कमेंट थे तो इसलिए मैंने वीडियो को बना लिया है। सीरियस वीडियो के लिए आप हर काम को सीरियस लीजिए। इस वीडियो को आप अगर मजाक में समझोगे तो आप मजाक बन के रह जाओगे ज़िंदगी के अंदर। किसी भी चीज़ को जो है सीरियसली लेना सीखिए। तो जो भी, अब मैंने 1-2 दिन से वीडियो डाली थी तो मैं राजस्थान साइड गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने कुछ व्लॉग डाले थे, तो इतना रिस्पांस रहा नहीं किसी का, तो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपने जो ये चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पर ड्राइविंग वीडियो ही आएंगी, हमेशा आती रहेंगी जब तक यूट्यूब रहेगा और मैं रहूँगा, मेरा जो भी चैनल रहेगा, आपका प्यार रहेगा, तो हमारे इस चैनल पर जो है सभी वीडियो आती रहेंगी यूट्यूब के माध्यम से, ड्राइविंग वीडियो। अब फिलहाल मैं घर पर हूँ, कहीं पे गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, तो इसलिए मैं घर से वीडियो आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। न कि आप देख रहे हैं कि कई दिन हो गए मैंने कोई ट्रक का वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई कोई गाड़ी के अंदर वीडियो बनाइए, तो उसके लिए जो है मुझे गाड़ी के साथ जाना पड़ता है, तो फिलहाल गाड़ी मैं नहीं चला रहा हूँ। तो गाड़ी जब मैं चलाऊंगा तो गाड़ी की वीडियो अपलोड करूंगा। वैसे तो मैंने चैनल पे अपने बहुत वीडियो अपलोड करके रखी है गाड़ी की, तब भी आपको कुछ कमी लगती है तो फिर से गाड़ी के साथ जाएंगे। तो थोड़ा काम था इसलिए मैं घर पर हूँ और अब वीडियो अपलोड करूंगा थोड़े दिन बाद गाड़ी के साथ। वैसे तो मेरी वीडियो आती रहेंगी ट्रक की, और भी गाड़ियाँ नई नई आती है उनके बारे में थोड़ा रिव्यू कर देते हैं ताकि किसी और को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं है हमारे चैनल पे ट्रक की वीडियो आए, तो और कुछ वीडियो आई तो उनको भी फुल सपोर्ट कीजिए कि आपको पसंद आती है या नहीं। एक मैंने कुश्ती की वीडियो भी डाल ली थी कि चलो भाई देख लेंगे, मैंने वहाँ पे देखा था थोड़ा सही सा लगा, इसलिए कुश्ती की वीडियो भी कुछ लोग पसंद करते हैं नहीं करते, क्योंकि जो चैनल होता है उसका एक ग्राफ होता है, आपके सब्सक्राइबर
किस प्रकार के होते हैं। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं वो गाड़ी की वीडियो देखना पसंद करें, इसलिए उनको गाड़ी की वीडियो ही पसंद है। तो चलिए, जैसा आप चाहें वैसी ही वीडियो डालेंगे। नीचे कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब के बिना और कमेंट के बिना वीडियो का मज़ा नहीं आता। जब तक आप कमेंट नहीं करते, जो भी वीडियो देखते हैं आप एक बार कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि कमेंट से हमें पता चल रहा है कि किस किस ने हमारी वीडियो को वॉच किया है, कौन कौन हमें पसंद करता है, लाइक करता है। तो उसके हिसाब से जब तक कोई काम करता है, मान लीजिए एक गाने वाला है और जब तक वो गाता है और तालियां नहीं बजती जब तक मज़ा नहीं आता है। इसलिए जब तक आप कमेंट और लाइक नहीं करते हो तो हमें तसल्ली सी नहीं होती कि हाँ हमारी वीडियो में कुछ दम था या फिर वीडियो किसी को पसंद आई या नहीं आई। तो चलिए इतना ही सब के लिए, वीडियो को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।